दिस इज द फीफा वर्ल्ड कप, लेट्स गो अर्जेंटीना भाई, अर्जेंटीना आर इनटू द सेमीफाइनल्स, कम ऑन भाई, अर्जेंटीना आर इनटू द सेमीफाइनल्स। मुझे एक चीज़ बताओ, ऑनेस्टली तुम्हें लगता है अर्जेंटीना सेमीफाइनल्स पहुंच गई है, ऑब्वियसली इसके बाद रुकने वाली है, तुम्हें लगता है क्या अर्जेंटीना बिना वर्ल्ड कप जीते बाहर होने वाली है? आई डोंट थिंक सो। ब्राज़ील एक टीम थी जो उन्हें बाहर कर सकती है, बट आई डोंट थिंक कि फ्रांस या फिर पोर्चुगल या फिर इंग्लैंड बाहर कर सकेंगे अर्जेंटीना को। आई मीन दे आर अलग, वो अलग ही लेवल पे भाई, वो अपने अलग ही लेवल पे चल रहे हैं अर्जेंटीना भाई। अर्जेंटीना दे आर इन द सेमीफाइनल्स। मॉड्रिच की क्रोएशिया को फेस करने वाली है अर्जेंटीना। आई मीन इट वुड बी अगेन अ हेल ऑफ अ मैच, दिस वाज हेल ऑफ अ मैच भाई। 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु मिस दिस मैच, कम ऑन, यू कांट मिस सच मैचेस। कितनी कतल मैच थी, आखिरी मोमेंट तक गई है ये मैच। 101st मिनट पे गोल आया भाई, लास्ट मिनट इक्वलाइजर, दोज वर गूज़बम्प मोमेंट्स भाई, वो गूज़बम्प वाले मोमेंट्स थे। तुमने अगर वो लाइव देखा है तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ भाई, तुम वो बिना लाइव देखे तुम वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जिसने देखा है उसे पता है भाई, जिसने देखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव वॉच्ड हिस्ट्री इन द मेकिंग, यू हैव वॉच्ड द हिस्टोरिकल मैच, कम ऑन, दिस मैच वॉज टू डैम गुड भाई, दिस वॉज टू डैम गुड। रात के 3:30 बज रहे थे, इट वॉज वर्थ इट भाई, इट वॉज वर्थ इट। आई मीन दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप सो फार। पेनल्टी की आखिरी किक तक गई है गेम भाई, पेनल्टी की आखिरी किक तक गई है गेम भाई, इट वॉज सो डैम गुड, आई आई एम स्टिल रिलिशिंग दोज मोमेंट्स। सो हाँ, टेक्टिकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। अर्जेंटीना वेंट फॉर अ बैक फाइव। तो जब मैंने पहली बार सुना था ना कि वो बैक फाइव के लिए जा रहे हैं, सो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, आई वॉज नॉट इन शॉक, मैं सोच में नहीं पड़ा था। मुझे पता था स्कालोनी विल डू समथिंग दैट इज गुड फॉर द टीम, ही इज अ क्लेवर मैनेजर, ही नोज हाउ टू प्ले बॉल। सो जब मैंने सुना बैक फाइव, में थोड़ा कन्फ्यूज था कि क्या टैक्टिक्स यूज करना चाहते हैं स्कालोनी। सो हाँ, जब मैंने नोटिस करा, जब मैंने थोड़ा डीप डिग इन किया था, मुझे पता था इट वॉज अ डैम गुड आइडिया, इट वॉज अ डैम गुड आइडिया। आई मीन देखो, नेदरलैंड्स कैसे प्रेस करती है, उनके जो दो स्ट्राइकर्स होते हैं वो प्रेस करते हैं आगे आके, और दे वेंट फॉर अ बैक फाइव, लीचा ओटामेंडी रोमेरो वो पीछे रहते हैं, जो अकुनिया है और मोलिना है वो दोनों आगे प्रोग्रेस करते हैं, वो आगे काफी हाई लाइन में खेलते हैं। सो इट प्लेड वेरी वेल फॉर देम, इट प्लेड वेरी वेल फॉर देम। वहां गैक्पो मार्क कर रहा था एंजो फर्नांडेस को, वहां फ्रेंकी डियोंग और देरून ड्रॉप कर रहे थे बॉल कलेक्ट करने के लिए, डिफेंडर से डिफेंस लाइन से वो बॉल कलेक्ट कर रहे थे और वहां से आगे बॉल प्रोग्रेस कर रहे थे वो, खासकर फ्रेंकी डियोंग, ही इज गुड ऑन द बॉल। फ्रेंकी डियोंग भाई वो लौंडा हराम ज्यादा है भाई, वो लौंडा हराम ज्यादा है, वो बार्सा से पे कट लेके बैठा है बस अच्छी फुटबॉल खेलने के लिए। तुम्हें लगता है वो अपनी नेशन के लिए बुरी फुटबॉल खेलेगा? कभी नहीं। ही प्लेड वेल, ही वाजंट दैट इंप्रेसिव इन टुडेज गेम, बट ही वाज ओके, ही वाज बेटर देन एटलीस्ट द अदर प्लेयर्स। नेदरलैंड्स बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही थी, वो लो प्रेसिंग टीम है, वो तुम्हें बॉल कैरी करने देगी, उनके हाफ में आने देगी, उसके बाद वो तुमसे बॉल छीनेंगे, वो लो प्रेसिंग टीम है, कम ऑन। और वहां से बर्गवाइन और डिपाय भाई, वो दोनों पेसी प्लेयर्स है, दोनों काफी पेस। मुझे टैक्टिक्स यही लगी कि ओपोनेंट को आने दो, और तुम्हारे पास पेसी प्लेयर्स है, बर्गवाइन काफी पेस भरा पड़ा है उसमें, वहां पे डिपाय है, तुम वहां से काउंटर अटैक शुरू कर सकते हो, वही करते हैं वो। आई मीन इन बैंड निकालेंगे वो, तुम उधर से थ्रू पासेस खेलोगे, वहीं से गोल आएंगे। डंफ्रीज काफी वाइड था, मुझे वो एक ही बंदा लगा जो क्रॉसेस डाल रहा था, जो नेसेसरी था काफी, उसमें क्रॉसेस डालने पड़ेंगे, यू आर टॉल प्लेयर्स, कम ऑन, तुम एरियली सुपीरियर हो अर्जेंटीना से, तो तुम्हें एरियल बॉल्स खेलने पड़ेंगे ज्यादा। वो इकलौता था जो वाइड बॉल्स खेल रहा था, काफी क्रॉसेस डाल रहा था, तो वो काफी बढ़िया था। मेसी एज यूजुअल काफी ड्रॉप कर रहा था, वो जो पहला गोल आया ना वो मेसी की वजह से आया। देखो तुम कैसे, मेसी ने ड्रॉप करा, वहां से उसने टिम्बर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, उसने डिफेंडर अपनी तरफ ला लिया, खींच के ला लिया उसने अपनी तरफ, वहां पीछे स्पेस खुला और वहां पे मोलिना का रन, व्हाट ए रन, मोलिना ने वहां पे रन निकाला, और मेसी भाई व्हाट एन असिस्ट बाय मेसी। मेसी फाउंड एन एंगल दैट डिडंट सीम टू एग्जिस्ट टिल नाउ। आई मीन इट वाज सो डैम गुड भाई, वो एंगल एग्जिस्ट नहीं करता था अंटिल मेसी किक्ड द बॉल। He created a different angle. He is in a different dimension of his own. Come on, boy. Lionel Messi is the name. और काफी बार ये हुआ, मोलिना की गेम अच्छी इसलिए रही है क्योंकि मेसी ने एक डिफेंडर अट्रैक्ट कर रखा था अपने साथ। वो जब भी ड्रॉप करता था वो या तो आके को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था या फिर किसी को भी वो एक डिफेंडर वो अपनी तरफ ला लेता था, जहाँ पे स्पेस खुलता है, जहाँ पे रन निकाला है काफी बढ़िया मोलिना ने। इवन आलवारेज वॉज डूइंग सो भाई, आलवारेज तो कतल है भाई, वो इतना भाग सकता है ना भाई, वो कुत्ते की हद तक भागता है, वो वालवर्दे है भाई बिल्कुल, वो अर्जेंटीना का वालवर्दे है। वो लौंडा तो भाई तुम्हें आखिरी दम तक प्रेस करेगा, गोलकीपर्स को प्रेस करेगा, डिफेंडर्स को प्रेस करेगा, भागेगा भाई, वो भागने वाला बंदा है, वो एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक भागेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो भागने वाला है, वो इन बिहाइंड्स देगा तुम्हें, इन बिहाइंड्स प्रोवाइड करेगा, वो इन बिहाइंड्स रन निकालेगा, वो प्रेस करेगा हाई काफी ज्यादा, तुम उसे रोक नहीं सकते। फर्स्ट हाफ में ना नेदरलैंड्स के लिए इतने चांसेस बने नहीं, उनके लिए बस कितने एक या दो ही चांसेस बने, वो तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे। देखो देरून मार्क था मैकलिस्टर से,
तो देरून कभी कभार मैकलिस्टर को अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ सेंट्रल एरियाज की तरफ और वहां पे बर्गवाइन ड्रॉप करता था। सो टिम्बर कुड प्ले डायरेक्ट वर्टिकल बॉल टू बर्गवाइन और वहां बर्गवाइन उसे पास करता था डम्फ्रीज को। डम्फ्रीज और बर्गवाइन कुछ वन टू पास खेलते थे कुछ देर और फिर डम्फ्रीज वो बॉल लेके वाइड एरियाज में जाता था, बिल्कुल एकदम फ्लैंक में जाता था और वहां से वो क्रॉसेस प्रोवाइड करता था और वहां से ही काफी अपॉर्चुनिटीज बने हैं। आई मीन ऐसा मैंने दो तीन बार होते हुए देखा है कि बर्गवाइन ने डम्फ्रीज को एक थ्रू पास खेली है और डम्फ्रीज ने वहां से क्रॉस डाले, एक ये था। और दूसरा था कि टिम्बर देरून को खेलता है, देरून फ्रेंकी को खेलता है और वहां पे बर्गवाइन ड्रॉप करता है, फ्रेंकी डियोंग बर्गवाइन को खेलता है और बर्गवाइन थ्रू पास खेलता है डम्फ्रीज को। आई मीन देयर वे ऑफ अटैकिंग वाज सेम, राइट फ्लैंक से अटैक हो रही थी, लेफ्ट फ्लैंक डेड थी बिल्कुल नेदरलैंड्स की भाई विजिबल क्रिएटिविटी की कमी थी, बिल्कुल क्रिएटिव नहीं थी भाई, क्रिएटिविटी वॉज डेड इन नेदरलैंड्स टीम, कोई क्रिएटिव बंदा नहीं है भाई, एक भी क्रिएटिव। फ्रेंकी डियोंग आई मीन ही इज ओके बट कम ऑन, यू नीड ए क्रिएटिव प्लेयर इन द अटैकिंग थर्ड, एक बंदा क्रिएटिव नहीं है भाई, एक बंदा क्रिएटिव नहीं है। आई मीन दिस वॉज देयर वीकनेस, दे नीडेड ए प्लेयर दैट कुड क्रिएट चांसेस फ्रॉम ओपन प्ले। भाई लॉन्डे लड़े हैं, भाई लॉन्डे लड़े हैं इस मैच में, कितने 17 येलो कार्ड्स है इस मैच में, 17 येलो कार्ड्स और एक रेड कार्ड, किसको मिला था रेड कार्ड पता नहीं, 128 मिनट पे शायद डम्फ्रीज को मिला था, जो भी 17 येलो कार्ड्स, कम ऑन भाई, कम ऑन, कैन यू इमेजिन इट, इट्स आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच, आई थिंक हाँ ये रिकॉर्ड है शायद, 17 येलो कार्ड्स एक मैच में, एक वर्ल्ड कप मैच में 17 येलो कार्ड्स, कम ऑन भाई, कम ऑन 17 येलो कार्ड्स। वहां पे पेरेदिस आने के बाद वो बॉल किक कर रहा है डगआउट में, वहां पे डगआउट से लॉन्डे आके पीट रहे पेरेदिस को, काफी कुछ बवाल हुआ था, काफी बवाल हुआ है। आई मीन तुमने अगर देखा तुम्हें पता है, वो तो भाई एक दूसरे के जान के पीछे पड़े थे दोनों टीम्स। आई मीन आफ्टर दैट ब्रॉल जितने भी ऐसे टाइम में टाइम बचे थे, दोनों टीम्स आर आफ्टर द ईच अदर्स नेक भाई, वो एक दूसरे को मारने के लिए खेले थे, इतने फाउल्स, मुझे नहीं पता कितने फाउल्स, मैंने देख चेक नहीं करा लेकिन भाई काफ़ी थे। आई मीन दैट वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट नंबर ऑफ फाउल्स आई हैव सीन, आई मीन इतने फाउल्स, और कुछ तो थोड़े समझो कुछ थोड़े ओवर भी थे कि कुछ टच करने से गिरे थे, बट इट इज कम ऑन दिस हैपेंस, लेकिन भाई कितने फाउल्स, कितने येलो कार्ड्स, कितना एग्रेशन भाई, जो एक्स्ट्रा टाइम में जो एग्रेशन दिखाया ना भाई दोनों टीम्स ने, इट वॉज सो डैम गुड ऑफ अ मैच भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके। सेकंड हाफ में भाई नेदरलैंड्स ने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करा गेम को, बिल्कुल सिंपल फुटबॉल खेली उन्होंने, लंबे स्ट्राइकर्स ले आए अपने पास, बॉक्स के अंदर क्रॉसेस डाल रहे थे, बॉक्स के अंदर एरियल पासेस डाल रहे थे और एरियल सुपीरियर है ऑब्वियसली, कितने 6-7 फुट के लॉन्ड है तुम्हारे पास, सो हाँ वही किया उन्होंने, लंबे स्ट्राइकर्स ले आए और बॉक्स के अंदर बॉल बार बार डाल रहे थे, सिंपल एज दैट। आई मीन तुम अगर बॉस के अंदर 10 बार बॉल डालोगे और अगर तुम्हारे पास 6-5 के लॉन्डे हैं तो क्या जरूरत है भाई, तुम्हें गोल आने वाला है, ऑब्वियसली गोल इज कमिंग, आई मीन यू हैव टू डू दैट, इट्स सिंपल एज दैट। आई मीन उन्हें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करा, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आई मीन हैट्स ऑफ टू लुई वैन अल भाई, हैट्स ऑफ टू लुई वैन अल, हिज टीम फॉट टिल द लास्ट मिनट भाई। और भाई वैन डाइक 7 फुट के लॉन्डे, खा के इतना लंबा हो गया, किस काम का है भाई तू, है कैप्टन है तू नेदरलैंड्स का, इतनी चौड़ में रहता है तू लिवरपूल में, ईपीएल में तेरे नाम है अलग, क्या करा तूने, पहली पेनल्टी मिस, काय का भाई, काय क्या फायदा भाई इतने लंबे होने का, क्या फायदा वर्ल्ड कप बेस्ट डिफेंडर कहलाने का, आया बड़ा बैलन डॉर जीतने की इच्छा रखने वाले, अबे तू पेनल्टी मिस कर रहा है, इतनी क्रूशियल पेनल्टी, तुम्हारी टीम की क्रूशियल पेनल्टी, पहली पेनल्टी मिस करी है वैन डाइक ने, आई मीन कम ऑन भाई, कम ऑन वैन डाइक। लेकिन यहाँ वैन डाइक की पिचिंग करने से ज्यादा यू हैव टू प्रेज एमी मार्टिनेस भाई, एमी मार्टिनेस, आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट गाय, पूरे वर्ल्ड कप कतल रहा है वो, कतल रहा है एमी मार्टिनेस भाई, ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन दिस वर्ल्ड कप, मैं मजाक नहीं कर रहा, ही इज द बेस्ट गोलकीपर इन दिस वर्ल्ड कप। आई मीन शेजनी वगैरह थे, ओचोआ थे, बट दे आर आउट नाउ, करंटली इज द बेस्ट। आई मीन बीटिंग दिस गाय वुड बी डिफिकल्ट भाई, डिफिकल्ट, अर्जेंटीना के लिए एक प्लस पॉइंट है अगर वो पेनल्टी शूटआउट्स में जाते हैं, दे हैव गॉट एमी मार्टिनेस, और भाई वो कतल बंदा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो कतल बंदा है, इज टू डैम गुड। लेकिन स्टिल भाई, स्टिल ब्रेव नेदरलैंड्स भाई, ब्रेव नेदरलैंड्स, फॉट टिल द लास्ट मिनट में, लास्ट मारना पड़ेगा नेदरलैंड्स को, मारना पड़ेगा, आई गिव इट टू देम। आई मीन 101st मिनट पे गोल आना, आई मीन लास्ट मिनट, तुम इमेजिन नहीं कर सकते वो मोमेंट क्या था, जिन्होंने लाइव देखा उन्हें पता है भाई, आखिरी मिनट चल रहा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम था, 11वां मिनट चल रहा था जब उन्हें फ्री किक मिली, पोस्ट के बिल्कुल सामने फ्री किक, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आने वाला है, इट वॉज द डू और डाई मोमेंट, अगर वो चांस मिस करती नेदरलैंड्स, देर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, देर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, वो आखिरी चांस था नेदरलैंड्स का, अगर वो गोल स्कोर करते तो कंपटीशन में रहते अब भी, अगर वो गोल स्कोर नहीं कर पाते थे तो वो बाहर हो जाते। And they scored, भाई, it was a so clever free kick, भाई, so clever free kick. It was a pass, basically it was a pass. I mean, it was so damn good, भाई. Netherlands, भाई, hats off to them, Netherlands. I mean, they played really well. I mean, they were on the verge of creating history. They were on the verge of creating a historic comeback, but they failed. I mean, it's okay, it's okay. They played hell of a match. They played hell of a game. Argentina were deserving, भाई.